कफन झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रात थी, प्राकृतिक सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीस ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हुए हो गया, जा देख तो आ। माधवा चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता, माधव इतना काम चोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता है, इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फांके हो जाते तो घीसु पेट पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती, या तो उनकी प्राकृतिक थी विचित्र जीवन था। इनका घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं, फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिया जाते, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गलियां भी खाते मारे भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की असूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसु ने इस आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसु की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था, माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों वे गौरतों का दो जख भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते, और वही औरत आज प्रवस वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घीसु ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फीसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसु आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूं ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। और मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सूद भी तो न होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटके सकेगी। मैं सोचता हूँ
कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे देते देते तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्तियों का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे कि सु किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसीलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की किसी जात तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निहीरता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडे हो जाने दे। कई बार दोनों की जवाने जल गई, छल छील जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा कुछ ज्यादा गर्म न मालूम होता लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था और उस अंगार को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसीलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसका याद ताजी थी। बोला वह भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थी, सबको छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग और 1 रसेदार तरकारी, दही चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं था, जो चीज चाहे चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया मगर परोसने वालों की पतल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए पतल पर हाथ से रोकते हुए, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफायत सोचती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रिया कर्म में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोरो, बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफायत सोचती है। नमन 1-20 पूरिया खाई होगी, 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खाया था, 50 से कम मैंने न खाई होगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में
डाले सो रहे। जैसे दोनों बड़े बड़े अजगर में डुल्लिया मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसु के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मंग। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर काम पर न आने के लिए पूछा, क्या है ये घिसुआ रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसु ने जमीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ माधव की घर वाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा, मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पर लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया, सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे मगर घिसु पर दया करना, काले कंबल पर रंग चढ़ाना था जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज अब जब गरज पड़ी तो आकर खुशामंद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था, जी के कूड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए मगर संतावना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। अब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजन को इनकार का साहस कैसे होता? घिसु जमींदार के नाम पर ढिढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसु के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। किसी से नाज मिल गया, किसी से लकड़ी, और दोपहर को घिसु और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंदे आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घिसु बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने के चिथड़ा भी न मिला उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जला ही तो जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे, बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर, तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई तब दोनों न जाने किस दैवीय प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे, फिर घिसु ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना।
उसके बाद कुछ चिखना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियां तबा तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घिसु बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहु के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पत्ता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है नहीं, लोग बाभनों को 1,000 रुपए क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके हमारे पास फूकने को क्या है, लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घिसु हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमरे से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिला नहीं, लोगों को विश्वास न आएगा लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी भी बेचारी मरी तो खूब खिला पिला कर आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घिसु ने 2 शेर पूड़ियां मंगाई, चटनी अचार कलेजियां, शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों से सारे सामान ले आया, पूरा 1.5 रुपया खर्चा हो गया, फिर थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र, इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घिसु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर जरूर से जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्यामी हो, जैसे बैकुंठ ले जाना, हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी, बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घिसु ने इसे भोले भाले सवाल का उत्तर न दिया, वह परलोक की बात सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे, कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो जरूर, तो तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा, तू मुझे ऐसा गधा समझता है, 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया, बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर मैंने डाला था। घिसु गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं, कौन देगा बताते क्यों नहीं, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। ज्यो ज्यो अंधेरा बढ़ता था और सितारे की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी, कोई गाता था, कोई डिग मारता था, कोई अपनी संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। यहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा, कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे, शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं या न जीते न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे लेकर चुस्कियां ले रहे थे, सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी, दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था, और दोनों के गौरव आनंद का उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा, रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देख कर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और
जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई, वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए मां गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है, दुख और निराशा का दौरा हुआ, माधव बोला। मगर दाद बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखे मार मार कर घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतने जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियकड़ों की आंखों इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। उर्दू कहानी प्रथम प्रकाशन उर्दू में उर्दू मासिक पत्रिका जामिया दिसंबर 1935 में प्रकाशित, उर्दू में असंकलित हिंदी रूप कफन शीर्षक से चांद अप्रैल 1936 में प्रकाशित। कहानी संग्रह कफन और शेष रचनाएं संकलित श्री धनपत राय प्रकाश सरस्वती प्रेस बनारस, प्रथम संकलन मार्च 1937 में संकलित, बाद में हंस प्रकाशन इलाहाबाद से यह पुस्तक कफन शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसका प्रथम संकलन अज्ञात।